खवातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। आज एक ही मैच था, आयरलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी तरह बहुत ही इजीली मैच जीत लिया, जबकि आयरलैंड ने एक इंटेंट शो की, आखिर तक लड़ते रहे। अगर टक्कर के साथ कोई एक टक जाता तो मैच बन जाता, मगर नहीं टक पाया और आयरलैंड मैच हार गया। मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत पैनल, इंट्रोडक्शन कराऊंगा एक एक करके। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मुमताज ऑलराउंडर और आदमी हसीन इमाद वसीम। इमाद के साथ रेविशिंग गॉर्जियस, बहुत ही खूबसूरत, पूरे पाकिस्तान की जान, मुल्क की शान, मुईन खान। कैसे मुईन भाई, ठीक है? बहुत खुश है, सेहतमंद है, ठीक है? ये जो आप टर्न लेते हैं ये क्लासिक है। मुईन साहब मुईन भाई के साथ मौजूद है मेरी फेवरेट पाकिस्तान, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, राइटर है, डांसर है, फिल्म भी कर चुकी है, सही बता रहा हूँ, टैलेंट का है तूफान। मेरे साथ मौजूद अमर खान, कैसी हैं अमर? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे? सही है, ऐसा ऐसा हो नहीं सकता था आप आए और मैं यू टर्न मार के आप आपके साथ खिंचाई ना मेरी करें। बिल्कुल बिल्कुल, कैसी है? सही है, बिल्कुल ठीक, अल्लाह ठीक है। क्या चल रहा है आजकल? बस काम चल रहा है, जियो पे ड्रामा चल रहा है जो धड़ाधड़ रेटिंग मार रहा है। वाह 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 वाह, मेरे शो की बात कर रही है? नहीं नहीं, दरार की बात कर रही है, आप तो प्रमोट कर सकते हैं, खुल के करें, बल्कि वही करें। बिल्कुल। अमर क्रिकेट से कोई इंटरेस्ट कभी खेला है? हाँ है, ऑब्वियसली जब वर्ल्ड कप हो खास तौर पे और जब इंडिया पाकिस्तान के मैच हो तो कौन ही जो है वो नहीं देखता होगा, मगर कभी खेला है आपने क्रिकेट? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं खेला, बिल्कुल नहीं। एक वाहिद आई थिंक स्पोर्ट जो मैंने जिंदगी में खेली है वो बैडमिंटन थी। वाह, उसके अलावा कभी? क्या हुआ, चिड़िया खो गई, क्या हुआ? चिड़ी और छक्का, हाँ, दोनों ही खो गए हवा में। अच्छा, कराची में इसको चिड़िया कहते थे मुइन भाई, बैडमिंटन की जो, हाँ, हमारे भी एक क्रिकेटर है, उन्होंने भी काफी लाहौर में चिड़ी छक्का खेला। चिड़ी छक्का, हाँ, चिड़ी छक्का कहते हैं उसको। आप छक्के को क्या कहते हैं? चिड़िया नहीं, नहीं, वो तो चिड़ी को चिड़िया कहते हैं ना, छक्के को छक्का ही कहते हैं। रैकेट, रैकेट कहते हैं हम लोग कराची में, रैकेट होता है क्योंकि हम लोग रैकेट्स में पड़े रहते हैं। वाओ, क्या मुख्तलिफ किस्म के रैकेट्स चल रहे हैं कराची में। अच्छा मुईन भाई, आप पे तरफ आऊंगा, मैच की बात होती रहेगी, ये जो आप एक रात में ही चश्मा पहनकर सीनियर एनालिस्ट बनना चाह रहे हैं, ये होने नहीं दूंगा मैं। चश्मा क्यों पहना? मुझे आज चश्मा खास तौर पे पहनाया गया। क्यों? पिछले प्रोग्राम में पर्चा आउट हुआ तो उन्होंने कहा नजर रखनी, इसलिए मैं चश्मा लगा के आया। यार नहीं, आउट हुआ था मुझ में, मैं कैसे यकीन दिलाऊं आयशा उमर एक इंटेलिजेंट खातून, पता है मेरे पास जवाब होते हैं मौजूद, ठीक है, मैं खामोश रहूंगा इस बात। मोइन जी ने मुझे बता दिया आपकी चीटिंग का, सो ही इज ऑन माय टीम आज। भाई मैंने यार, आप दोनों मेरी टीम का हिस्सा हैं, अगर ये मुझे टफ टाइम दे आपकी, वो देखें वो हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे और उनकी दोनों टांगे लकड़ी की नहीं है। अच्छा, आज का मैच मुइन भाई आयरलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने 42 रन से जीता, जबकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि अगर टकर, टकर के नाम टकर है मगर टुक नहीं करते वो, अच्छा खेला टकर, नो डाउट मैच तो बहुत अच्छा हुआ, इंटेंट नजर आ रहा था कि वो कोशिश कर रहे थे, ऑल्दो के ऑस्ट्रेलिया वाज आउट क्लास बिकॉज स्टॉइनिस ने और जिस तरह कप्तान चल पड़ा कप्तान, बिल्कुल, और इवन शुरू में मिचेल मार्श ने जो ओपनिंग की थी, आई थिंक वो एक नजर आ रहा था ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेट, ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन, यू नो एग्जैक्टली, वो नजर आ रहा था कि हाँ वो अब इन होना चाहते हैं, और उनकी डू एंड डाई सिचुएशन भी है, और वो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है और एक अच्छे मार्जिन से रहा है, तो यहाँ पे उनको नेट की फर्क भी पड़ेगा क्योंकि इस वाले स्पेशली पूल के अंदर जहाँ बड़ी टीम है वहाँ एट दी एंड रन रेट का जरूर फर्क पड़ेगा, और बारिश ने जिस तरह डिस्टर्ब किया ये टूर्नामेंट, यू नो, तो ये यहाँ पे आज बहुत अच्छा मैच हुआ, तो मजे की बात, ये अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात, मैं ये कहूंगा दिलचस्प बात, जो आयरलैंड का इंटेंट था वो नजर आया कि वो कोशिश की, उन्होंने उनकी विकेटें कॉन्स्टेंटली गिरती रही हैं काफी, लेकिन उन्होंने कोशिश की, बाउंड्रीज लेते रहे, वो जो मेंटेन करना था अपना एवरेज उसको कोशिश कर रहे थे कि उसके करीब करीब रहे, वो जो कुछ कर रहे थे जीतने के लिए कर रहे थे। इमाद की तरफ आएंगे, इमाद आपको क्या लगता है आयरलैंड में इंटेंट थी क्या, कैपेबिलिटीज की कमी थी या कोई और चीज कमी रह गई उनके पास? देखिए उनके उनके पास प्लेयर्स तो अच्छे हैं लेकिन जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं वो नहीं है, और टाइम भी इतना नहीं हुआ ना। कल भी मैंने आपको कहा था कि दिस इज द राइट वे टू प्ले T20 क्रिकेट, वेदर आपकी 5 विकेटें गिरी हैं, वेदर आपकी कोई विकेट नहीं गिरी, आप रन रेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, सो 36/5 थे वो, और जिस तरह उसने बारी की है उसको काफ़ी काफ़ी अच्छी तरह मैं जानता भी हूँ, खैर, लेकिन इनके एक दो प्लेयर ऐसे थे कि अगर ऊपर से इसका साथ देते तो ये बहुत क्लोज मैच हो जाता, और ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी स्ट्रेंथ और प्रॉपर बॉलिंग के साथ खेला था और चारों तरफ उसने शॉट मारे, उसकी सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है, स्पिन पे मुझे लगा थोड़ा सा वो फंस रहा है, हाँ, अगर टेक्टर होता है इसके साथ वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है तो वो बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आयरलैंड एक एज ए नेशन आयरलैंड बहुत प्रोग्रेस कर रही है और आयरलैंड क्रिकेट बहुत ज़्यादा इसको सीरियस लेते हैं, मैं आयरलैंड में क्लब क्रिकेट भी खेला हूँ, उनकी क्लब क्रिकेट भी बहुत ज़बरदस्त है, उनकी नेशनल लेवल की क्रिकेट अब बहुत अच्छी हुई है।
अमर आपका तो माशाल्लाह से आज के मैच पे कोई ध्यान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। मैं यही डरी थी कि इसके बाद आप मेरे से ना कुछ पूछ लें। मैं नहीं आपसे पूछा, मगर ये जरूर पूछूंगा, फिंच की जगह अगर ग्रीन आ जाए टीम में तो कैसा रहेगा? मुझे दोनों का ही नहीं पता, आप इसके बारे में। कोई जरूरी भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता मुइन भाई, लेकिन आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम में कोई गुंजाइश है ग्रीन की? बहुत बड़े बैट्समैन हैं जो बैठे हुए हैं बेंच पे, तो बेंच पे ग्रीन बैठा हुआ है इतना बड़ा प्लेयर, तो टीम में कितने बड़े प्लेयर? मेरा ख्याल है ब्लू को ज्यादा ग्रीन को अभी जरूरत नहीं पड़ती, मेरा ख्याल उसकी जरूरत नहीं, ग्रीन नहीं खेला। अच्छा, सारे कप्तान कैप्टन चल पड़े हैं, फिंच ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, हमारा कैप्टन चल नहीं रहा, दौड़ रहा है वापस आने के लिए पाकिस्तान की टीम की तरफ, यहाँ भी चलने की कोशिश कर रहे हैं, चलने दिया नहीं जा रहा मार जी, वो तो कप्तान की बात कर रहे हैं ना आप। अमर देख रही, कप्तान चल पड़े? जी जी फॉलो कर रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। गई नहीं आप? नहीं गई। जाना चाहती हैं? हाँ क्यों नहीं, अगर काम ना कर रही होती तो डेफिनेटली जाती। मजबूरियां इतनी हैं, क्या करें, बिल्कुल इनकलाब तो आते जाते रहते हैं। मुइन भाई, पाकिस्तान के अब चांसेस बहुत ही मादून से हैं, लेकिन बारिश की दुआएं भी चल रही हैं, इंडिया के हारने की दुआएं भी चल रही हैं, कैसा लगता है, कोई चांस कहीं से उम्मीद नजर आती? बांधने वाली सिचुएशन है? उम्मीद तो है, उम्मीद अगर 1% भी उम्मीद टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपको नजर आए तो आप नेचुरली पॉजिटिव होते हैं। पाकिस्तान को दोनों मैच ऑफकोर्स जीत रहे हैं, बिल्कुल, जो उनके रिमेनिंग मैचेस एक बांग्लादेश और एक साउथ अफ्रीका से, वेर एज इंडिया को यहाँ पे मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश से मैच हारना पड़ेगा। अगर वो हारती है देन पाकिस्तान का चांस हो सकता है, लेकिन अगेन प्रोवाइडेड कि रन रेट पाकिस्तान बेटर कर सके, वो बेटर कर सके, या तो साउथ अफ्रीका से बेटर कर ले या इंडिया से बेटर कर सके, तो रन रेट का थोड़ा सा अब इशू आएगा उनको इन मैचेस के अंदर, दो जीतने के बाद भी और इंडिया हारता है तब। अच्छा अमर, क्रिकेट में हम कल बात कर रहे थे 3-4 दिन पहले कि भाई पर्ची सिस्टम होता है, ये होता है, लोग आ जाते हैं नहीं आते, सबके अपने अपने स्टांस हैं इसके ऊपर, आपका क्या स्टांस है इंडस्ट्री में पर्चीज़म पे? हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आपकी कोई कपड़ों की भी इंडस्ट्री है साथ में? मिल्स लगी नहीं, आई एम श्योर होता है, हर जगह ही होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं, बिल्कुल है। आपकी वालदा काम करती है? बिल्कुल। तो लेकिन मैं नेपोटिज्म का बाय प्रोडक्ट नहीं हूँ। आपका सवाल साबित कैसे करेंगे? पहले होने से पहले ही मैं आपको गोली मार दूंगी अदालत में। अदालत में साबित कैसे होगा? नहीं, साबित करने की क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स आप बोले मेरा काम देख के होगा साबित, क्या बोले आप? तो वो तो देख रहे हैं ना, मुझे उसको रीइंफोर्स करने की क्या, आपको दलीलें देने की क्या जरूरत है? शो कैसे चलेगा, कंटेंट कैसे बनेगा, आप मुझे खुद बता देना फिर। आप मुझे बता दें क्या करूं जब आप ये भी नहीं बताना। अच्छा ये बताएं, सबसे जो आप बचपन में, चले आप कोई बैडमिंटन के अलावा जो छोटे मोटे गेम होते हैं जो हम सब ने खेले, बर्फ पानी वगैरह, आपने इस तरह के गेम्स में हिस्सा? हाँ जी बिल्कुल। सबसे इंटरेस्टिंग गेम कौन सा याद है? आई थिंक वही वो चोर पुलिस और ये बर्फ पानी खो खो, तो अभी तक चल रहा है। हाँ, चोर पकड़म साथी। अच्छा चोर पकड़म साथी कितना एक अजीब क्रिमिनल सा गेम था कि चोर जिसको टच कर रहा है वो उसका साथी बन जा रहा है, और यही यूजुअली आप बड़े होते हैं हम लोग तो यही करते हैं, जिसको टच कर दिया हमारा साथी हो जाता है चोरों का, देख लें आप 11 बार। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ मुइन भाई, गेमों से याद आया 500 की दौड़ जो है एक मशहूर गेम है अमर, जानती अच्छा। है इस गेम में क्या होता है? नहीं, थोड़ा सा आपसे मैं इंतहाई मुश्किल सवाल पूछूंगा, ये वो सवाल है जो पूरे पाकिस्तान से पूछे गए इन सर्वे। अच्छा इस वाले में आपने चीटिंग कराई थी बाकी सबको? खातिम हजरात इल्जाम पे इल्जाम लग रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, हर जाने का दावा आज किया खान साहब ने। लेकिन चीटिंग कराते क्या है, क्या कोई राइट आंख लेफ्ट आंख, राइट मारी तो ए, दिल से दिल को, दिल से दिल को राह होती है, चीटिंग का क्या सिग्नल क्या है? नहीं, ये नहीं, तो नहीं, ऐसा कुछ है। मुइन भाई असल में जेलिस हो गए मुझसे, थोड़े से जेलिस हो गए, बोले मुइन भाई लगता है ऐसी है मुझे भी शायद, तो अब शक है ना, शक है। 500 की दौड़ है, आप गेम पे आते हैं, 500 की दौड़ है, सवाल पूछूंगा, ये सर्वे हुए हुए सवाल हैं, आपने परसेंटेजेस में जवाब देना है, सवाल बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी गेम है, तो स्टार्ट करते हैं 500 की दौड़। मुइन भाई रेडी हैं? अभी तक जो टॉप पे चल रही हैं वो चल रही हैं आयशा उमर। अच्छा वही जी, वही आयशा उमर चल रही हैं। आज आपके पास चांस है कि आप जीत कर सब तमाम ये इल्जाम गलत साबित कर दें, तमाम तिजोरियों से खजाना आपका ले लें, वो इल्जाम आप गलत साबित कर सकते हैं जो पर्चा आउट हुआ है। अच्छा अच्छा, इमाद और मुइन का अलग मुकाबला चल रहा है इसी गेम का, और क्योंकि ये हमारे साथ शुरू से है और आखिर तक रहे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं मुइन भाई, पहला सवाल, कितने फीसद लोग इस्तेमाल के लिए लाइटर मांगकर वापस नहीं करते? इमाद से शुरू करूंगा, क्या हंसने की क्या बात है, वो तो पहले ही आ गया 10% पहले लिखा आ गया भाई, बताओगी ना ये बात? ये भाई पहले से नहीं, नहीं इसमें नहीं आ। हाँ कितने फीसद लोग 10% 10% आपको लगता है कि ये उसको ग्राफिक ना देखे वो गलत लग गया? ओके ओके, कितने परसेंट लोग लाइटर मांगकर वापस नहीं करते? 35% 35%
मुइन भाई लाइटर वापस नहीं, सर्वे अच्छा लग रहा है, अच्छा सर्वे लग रहा है, बहुत प्यारा सर्वे। 30 आप, मेरा ख्याल है कि 15% 15% आपको लगता है लोग ईमानदार हैं, लाइटर लेकर वापस कर देते, वापस कर देते। अमर लाइटर लेकर 10% आप वापस कर देती हैं? नहीं मैं आई डोंट स्मोक, लेकिन मुझे लगता है कि लोग लाइटर के साथ बहुत सारे काम, कैंडल जलाने उसी वक्त लेता है तो वो वापस भी, वो आप लाइटर को स्टीरियोटाइप नहीं करें। देखिए मैं लाइटर से घर में कैंडल जलाता हूं, बर्थडे केक जलाता हूं, अक्सर लोगों को जलाता हूं, चूल्हे जलाता हूं, लोगों को जलाता, हां चूल्हे जलाता हूं, हां ठीक। तो आप कहती हैं 10% लोग लाइटर लेकर वापस नहीं करते, 30% 15% 10% लॉक कर दीजिए, आप आवाम का फैसला देखते हैं। मुझे लगता है ऐसा होता है कि लोग लाइटर वापस नहीं करते, शिकायतें होती हैं भाई लड़कों की, खास तौर पे वो सिगरेट नोशी करते हैं। 38% लोग लाइटर लेकर वापस नहीं करते मुइन भाई, गुड सर्वे भाई, इमाद को बहुत क्लोज थे मार्क, वेरी गुड इमाद, वेल प्लेड। अब तो पहले बोला था सर्वे इसका अच्छा है, सर इसका सर्वे। अगले सवाल बढ़ते हैं अमर, कितने फीसद लोग आज भी ऑनलाइन शॉपिंग से डरते हैं, घबराते हैं? मुइन भाई ऑनलाइन शॉपिंग, कल मैंने आपको तीन टर्म्स बताई थी, हाँ मैं वही हूँ, हाँ वही हूँ। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये 75% 75% लोग अभी भी आप समझते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से घबराते हैं, क्या वजह हो सकती है मुइन भाई? मेनली मैंने भी नोट किया है कि जो गलत प्रोडक्ट आ जाइए, गलत प्रोडक्ट या क्वालिटी बेटर नहीं होती, जो नजर आ रहा होता पिक्चर के अंदर वो नहीं, यू नो वो चीज आती नहीं है आप जब ऑर्डर करते हैं। अमर सिर्फ पाकिस्तान का इस सर्वे जी, है ना, तो बहुत कम लोग मुझे लगता है पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे। घबराते कितने लोग हैं? 80% लोग आपको लगता है घबराते हैं? हां घबराते हैं। और आप करती हैं ऑनलाइन शॉपिंग? हां मैं तो करती हूं। अच्छी सही होता है आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, आप नहीं घबराते? नहीं। इमाद हाई नंबर ये 72 पे जाना चाहूंगा। आप 72 बहुत स्पेसिफिक, आपका ऐसा लग रहा है आपने इंटीग्रेशन लगा के कोई, ऐसा लग रहा है आज आपको भी आंसर बताया हुआ है, मुझे लग रहा है पर्चा आउट हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, 72 पे इमाद को लॉक करें, 80 पे नहीं, इमाद का मसला ही, मुइन भाई से ज्यादा पूछूंगा ना पहले, तो मुइन भाई के आसपास ही उनका नंबर होगा। अच्छा भाई देखें आवाम क्या कहती है, कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग से घबराते हैं। मेरे ख्याल से अब कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, काफी लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं पाकिस्तान के अंदर। इट टेक्स टाइम ऑफ कोर्स, हम सबको रेडी होना है, सिर्फ अकेली एक कंपनी नहीं उसको कर सकती, जो वेंडर्स पीछे लगे होते हैं वो भी बेहतर होंगे तो फिर सही होगी ऑनलाइन शॉपिंग। देखते हैं कितने परसेंट लोग, 52% लोग मुइन भाई अभी भी घबराते हैं, ये भी एक हाई परसेंटेज है मगर इतनी हाई नहीं जितनी हाई आप समझते हैं। डिफेंस पे लिया था, फिर इमाद क्लोज हुए हैं, ये फिर से लगता है मुझे मुइन भाई कुछ हुआ है, लेकिन हाँ वाकई ये सिर्फ डिफेंस वाला ही मुझे सर्वे लग रहा है, वरना पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता इतने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चीटिंग का धांधली हो रही है आपके सर्वे। मैं आपको एक चीज आपने नहीं कहा था इनको, मैं बताता हूँ, ये मेरा, मैं मुझसे सुनिए, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इस सेक्टर में काम कर चुका हूँ, सालों काम कर चुका हूँ, आपको एक बात बताना चलूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग के ज्यादातर ऑर्डर्स इंटीरियर से आते हैं, जहाँ पर स्टोर्स नहीं है, जहाँ पर शॉपिंग के लिए जाने की जगह ही नहीं मगर पैसा है, वहां से ज्यादातर ऑर्डर्स आते हैं। फिर मैं सही था मुइन भाई, क्या उन लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है, ये भी लोग घबराते हैं। नहीं नहीं भाई घबराते, इसीलिए घबराते हैं, लेकिन मैं इनसाइट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल, कितने फीसद लोग नींद में खर्राटे लेते हैं लेकिन मानते नहीं है? मैं जरा उस तरफ देखूंगा थोड़ी देर के लिए, वहां से आया कि हाँ मुइन भाई आप, मैं तो हूँ, आप लेते हैं मानते नहीं, लेकिन अभी आप मान रहे हैं, तो कितने परसेंट लोग मान रहे हैं? जो मानते नहीं है उसमें तादाद 80% होगी, देख ले मुनासिब कर ले थोड़ा, 80% जो मानते नहीं, जो लेते हैं मानते नहीं है उसमें 80% है, जो खराटे लेते हैं मानते नहीं 80% लोग, क्योंकि वो खुद सो रहे होते हैं ना यार, क्यों मानेंगे वो सो रहे हैं। इमाद 50% पे जाना चाहूंगा मैं, 50% लोग लेते हैं मगर मानते नहीं, 50% में इमाद को लॉक करें, 80% में भाई को लॉक करें। इमाद आप खराटे लेते हैं? जी लेते हैं, आप मानते हैं? जी ठीक है। अमर आप खराटे लेती हैं? नहीं। क्यों नहीं लेती? पता नहीं क्यों नहीं लेती, लेकिन मैं नहीं लेती। आप मानती नहीं? नहीं मैं मानती नहीं हूँ, मैं लेती नहीं हूँ। किससे पूछूं जो बता सके? नहीं मैं अपने घर वालों से पूछा हुआ है कि मैं खराटे लेती हूँ, तो मैं नहीं लेती, उन्होंने बताया। उन्होंने बताया खुद, वो खुद सो रहे हैं, उनको पता ना, वो भी ना मानते। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो उठा होता है वही बताता है ना इवेंचुअली कि आप। ठीक है तो अमर आप कितने परसेंट कह रहे हैं? 70% पे अमर को लॉक करें, खराटे लेते। मैं लेता हूँ, बेगम बताती तो मान जाता हूँ कि जो तुम कह रही हो ठीक ही कह रही हो, नहीं मानेंगे तो आपको पता है। आंसर जो है अमर, वक्त आ चुका है ब्रेक लेने का। अच्छा। ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक में हम थोड़े खराटे को नहीं बताएंगे, वापस आइए, जश्न क्रिकेट कहीं नहीं जाएगा। वेलकम टू जश्न क्रिकेट, हमारे साथ मौजूद है अमर खान, इमाद वसीम, मुइन खान। हम सवाल पूछ बैठे थे,
खराटे लेकर कितने लोग नहीं मानते उन्होंने खराटे लिए हैं। अमर ने कहा कि वो मान जाती हैं कि वो खराटे लेती हैं। मुइन भाई ने कहा मैं भी मानता हूँ, इमाद ने कहा मैं लेता हूँ मगर मानता नहीं हूँ। नंबर अटके हुए हैं सबके, अवाम की राय हम लेते हैं, खराटों की तरह ऊपर नीचे हो रहा है बैरोमीटर। मुइन भाई किस तरह खराटे लेते हैं, कई टाइप्स होती हैं खराटों की, कुछ छोटी रैपिड खराटे होती हैं। खराटे कौन सुनता है? 44% 44% इमाद। अब आप मुझे कहते हैं, अब कहते पर्चा कौन इमाद जीते और कौन जीता? अब आप बोल दो ना, आप बोल दो ना मुइन भाई। ऐसे बहुत कम परसेंटेज है, मुझे नहीं लगता लोग मुझे आज जो लेते हैं वो प्रॉब्लम लग रही है सर भाई। नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इधर देखो जितने लोग बैठे थे खराटे लेने वाले, सबने माना कि हम खराटे लेते हैं। यहाँ से अंदाजा लगाइए ना कि लोग खराटे लेकर मान जाते हैं खराटे। अच्छा मैं पूछा था खराटे भाई जो उनके खराटे सुनते हैं उन्हीं से मानते हैं सर। ये बात भी बेगम अगर कह के खराटे ले रहे तो मान जाइए। अच्छा हमार इमाद खराटे बहुत सारे टाइप के होते हैं, कुछ लोग बड़े खराटे खींचते हैं कुछ, तो इस किस तरह के खराटे मुइन भाई आपको पसंद है? सुनने में कौन सा खराटे ऐसे हैं? हमारे क्वेश्चन कमाल होते हैं। मुइन भाई देखिए कंटेंट खींचना हो तो इस तरह के सवाल पूछने पड़ते हैं, चाहे जो रिकॉर्डेड हो या लाइव। मुझे खराटों के बारे में शेर हासिल गुफ्तगू करनी है दूसरे वाले जो। अच्छा खराटे वो पसंद है मुझे मुइन भाई, एक जो दूसरे दफा लिए थे ना वो पसंद तेज तेज खराटे करके दिखाओ। नहीं मैं नहीं, नाक में सीटी सी भी बजती है वो वाला खराटा भी छोटा चुन्नू खराटा। अच्छा वो मुझसे निकलती नहीं है, मेरी नाक थोड़ी मोटी है। मैं ये कहना चाह रहा था कि खराटे लेने ना लेने के टोटके होते हैं कुछ, कि भाई इनसे खराटे ना, कुछ लोग कहते हैं हल्का सा तेल नाक के अंदर लगा लें तो खराटे नहीं आते, कुछ लोग कहते हैं जो खराटे ले रहा है उसको हल्का सा हिला दो तो रीसेट हो जाता है। तो खराटे साइनस वाले लोगों को भी होता है, उनको भी होते हैं खराटे। ज्यादा आप खा ले लेट खाना खा ले तो खराटे थके हुए हो ज्यादा, और मुंह खुला छोड़ के जो सोए उनके भी खराटे। खुला छोड़ के कोई तिजोरी है वो नहीं, मतलब कुछ लोग मुंह खोल के सोते हैं तो उनको भी खराटे, मुंह बंद करके खोल के सोते हैं। आप आंखें खोल के मुंह खोल के कुछ सब बंद करके सोएं भाई, बहुत ऐसा मच्छर चला जाए। आजकल कीड़े मकोड़े कितने निकले। अगला सवाल मुइन भाई, कितने फीसद लोग सवाल कितने फीसद लोग शादी में दिखावे के चक्कर में मखरूज हो जाते हैं? ये होता है ना कि भाई ये भी डिशे रखेंगे, ये भी रखेंगे, वो भी देंगे, इसके चक्कर में कर्जा ले लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, 40% लोग मखरूज हो जाते हैं। अमर इस 40 के पास ही होगा, 30 कह देती हूँ। इस 40 के पास होगा, अगर कोई और 40 होता उसके पास नहीं, नहीं मतलब इसके पास पास ही होगा कोई ना। तो आप क्या कह रही हैं? 30% लोग मखरूज हो जाते हैं। इमाद 35 ये बीच में आ गया। आज आपको जवाब पहले से बताया, आप बहुत एक्यूरेट बता रहे हैं। 35% मैं तीनों से कहूंगा नजरे सानी करें, मुइन भाई कुछ नजरे सानी हो जाए। काफी लोग ऐसा होता है पाकिस्तान में कि शादी के चक्कर में, बेटी की शादी के चक्कर में, खासतौर पर बेटों की शादी में कोई मखरूज नहीं होता, ये अलग सी बात है, बेटियों की शादी के चक्कर में लोग मखरूज हो जाते हैं। मुझे लगता है कि कुछ नहीं लगता, मैं होस्ट हूँ, मुझे न्यूट्रल रहना है। 40, 30 और 35 आवाम की राय बढ़ा सकते हैं अगर नहीं कुछ नहीं आप हो गया देख, हमने तो कर दिया लॉक कर दिया, लॉक कर दिया जी। 40, 30 और 35% पे लॉक किया है मुइन भाई, अमर और इमाद ने। अब चेक करते हैं अवाम की क्या राय है। चलाइए अवाम की राय दिखाइए। मुझे लग रहा है कि ये 99 और 10 के बीच में है कोई नंबर। अच्छा हाँ मुइन भाई बहुत 53% 53% लोग समझते हैं मखरूज हो जाते हैं शादी के चक्कर। मुइन भाई अमर नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट कर रही हूँ क्या सब्जेक्ट है? एक जो तो लिख रही है फिल्म, आपने ब्रेक में बताया फिल्म लिख रही है, वो नहीं बता सकती आपको, लेकिन एक प्रोजेक्ट जो मैं कर रही हूँ वो इंटरेस्टिंग बात इसलिए कि मैं उसमें पहली बार पाकिस्तान में एक जर्नलिज्म के ऊपर एक ड्रामा बन रहा है, आई एम प्लेइंग अ क्राइम रिपोर्टर एन एंकर सॉर्ट, तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्राइम रिपोर्टर बनी है उसमें। किस तरह की टोन पकड़ी आपने? वो अभी नहीं ना बता सकते यार, मतलब के वो तो जब आएगा तो तब आप देखेंगे ना, लेकिन ये बता दूं कि उसमें काफी जर्नलिस्ट की काफी इडियोसिंक्रेटिक एलमेंट यूज किए हैं, बाहरी लफ्ज इस्तेमाल कर रही है खातून, इडियोसिंक्रेटिक मूव्स। नहीं मैं ये पूछना चाह रहा था इसमें कोई अफ्रीकन कंट्री के अंदर कोई शूटिंग तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, सब पाकिस्तान के भाई भी तो नहीं बनी? नहीं नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा चले, आज ऐसा होता है कि अक्सर खवातीन आती हैं क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो वो कहती हैं यार हमसे नहीं पूछे, हम नहीं खेलते, कुछ को पता भी होता है। आज आपको मैं दे रहा हूँ, आप बॉल आपके कोर्ट में है, तीन लड़के नॉन क्रिकेटिंग नॉन एक्टिंग करियर जिनके हैं वो बैठे हैं, दो क्रिकेटर्स हैं और एक होस्ट है। आप हमें कोई एक डायलॉग दें तारीखी जो आपके दिमाग में फंसा, बड़ा डायलॉग, हम तीनों बोलेंगे एक एक करके। पाकिस्तानी डायलॉग होना चाहिए, आप कुछ भी बोल दें, आप कोरियन बोल दें मुझे, कोरियन डायलॉग बहुत अच्छा बोलता हूँ। आप बोले कितने आदमी थे? मैं क्यों बोलूं कितने आदमी, मैं न्यारी डायलॉग दे रही हूँ ना आपको, ये बोल के दिखाए। अच्छा कितने डायलॉग है, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे? मैं पूछ किससे रहा हूँ, सेटिंग तो देना।
मतलब क्रिकेट की सेटिंग ले लेते हैं कि हम मैच हार गए पिछला, और जो है आप कप्तान है, और नहीं नहीं आप हैं पीसीबी में, मैं पीसीबी और आपने अब देखना है कि कितने आदमी जिन्होंने मिलके हराया हमें ये मैच, तो आपने उस टोन में पूछना है क्रिकेटर्स से कि कितने आदमी, क्रिकेटर्स के सामने कहाँ चलती है इतनी ज्यादा, आराम से पूछो कितने कितने आदमी थे, यूं पूछूंगा। मुइन भाई आप कैसे पूछेंगे कितने आदमी थे, ऐसे पूछ लेंगे सादा। ये नेचुरल देखे, नेचुरल एक्टिंग यही होती है, तो नेचुरल और एक्टिंग बहुत ऑक्सीमोरॉन है जो है ना, ये नेचुरल एक्टिंग कोई चीज नहीं होती, या तो एक्टिंग होती है या नेचुरल होता है। उन्होंने नेचुरली देखे बोला ना डायलॉग। इमाद आप तैयार हैं, कितने आदमी थे आजकल तो मैच हारने में ऐसे कुछ कितने आदमी थे। अमर आप बोल के दिखाएं जरा भारी आवाज में। नहीं नहीं मेरी भारी आवाज नहीं, मेरी ऐसी है। ये आप लोगों के लिए था भाई ऑडिशन देना, आप लोग नॉन एक्टर हैं, मैं तो एक्टर हूँ। नॉन एक्टर कहा एक एक्टर ने, हमने आपको कभी नॉन क्रिकेटिंग गर्ल कहा? कह सकते हैं मुझे, मैं कहूंगा मैं इस तरह की कोई बात नहीं करता। कल क्या पता आप डेब्यू कर लें। हाँ। सब सिलेक्शन इस क्राइटेरिया की हो रही है बिल्कुल, क्या आप आ सकती है? इमारत ने बताया मुझे, इमारत ने बताया, मेरा जुमला नहीं है। खातिर हजरात इस बात पे ब्रेक बनती है, ब्रेक लीजिए, वापस आइए जश्न क्रिकेट। अमर मैं इमाद और मुइन भाई कहीं नहीं जाएंगे। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। बहुत धुआंधार गेम चल रहा है, आखिरी सवाल रह चुका है 500 की दौड़ का। मुइन भाई सवाल मुझे मजबूरन आना पड़ेगा कि कितने फीसद कराची वालों ने एक छोटा मोबाइल डकैतों के लिए रखा हुआ है? रेलेवेंट सवाल। नहीं बहुत अच्छा सवाल है मेरा। इमाद ये काफी परसेंट होगी, ये हाई काफी परसेंट हाई होगी। चलो मुइन भाई आप बताएं आंसर। हाई होगी परसेंटेज। अरे कराची वालों के पास भाई, हम लोग इतने अमीर लोग नहीं है कि एक वो भी रखे। कराची मतलब एक बहुत बड़ा शहर है, इसकी आबादी मर्दमशुमारी कुछ भी कहे दिखने में बहुत लगती है, तो ये है कि 50% में कहना चाहूंगा, 45% चल 45%। अमर पहले आप बताएं। मुझे कुछ इस तरह कह देता, मुझे कुछ आइडिया तो थोड़ा 70%। मुइन भाई देखें फिर आप, ये सर्वे डिफेंस में नहीं हुआ लेकिन आपका जवाब डिफेंस से आ रहा है। 70% रखा है लोगों ने, आजकल रखते हैं वो, रखते हैं 70% लोगों के पास दो मोबाइल खरीदने के पैसे कहाँ है मुइन भाई, लेकिन आप 70% कह रहे हैं। मुझे सर्वे अभी हुआ है, लेटेस्ट सर्वे लेटेस्ट है, बस ठीक है हो गया। चले मैं नीचे 45%। मैं जी 40% लॉक। अच्छा आप इमाद को फॉलो कर रहे हैं? नहीं सर्वे आपने अभी क्या बताया, मुझे ये बताया महंगाई के बाद का और पीटीआई की, जब से जो मुइन भाई का आंसर है तो आप उसको बस कर दे फौरन। आपको क्यों आग लग रही है, मैं देख रहा हूँ कि जब आपका स्कोर अच्छा होने लगा 40% में लॉक करें। अमर आपने सिर्फ मुझे हिंट नहीं दिया, मैं देख रही हूँ लाला आप गलत समझ रही हो, मैं दोनों को लॉक करवा कर आपके पास इसीलिए आया हूँ कि आपको अंदाजा रहे। अच्छा अच्छा नजर आ रहा है क्लोजअप में है आप। 55 पे लॉक कर दूं मैं बगैर एक्सप्रेशन के रखूंगा। 50 पे लॉक कर दें, 50 पे लॉक। ये लड़के मुझे औकाबों की तरह देख रहे हैं, 50 पे लॉक करें। मुझे चश्मे में अच्छे लग रहे थे आप, 50 पे लॉक करें। लो यार लगा ले, 50 पे लॉक किया मुइन भाई को। आवाम का फैसला, कितने फीसद कराची वाले दो मोबाइल लगते हैं मोबाइल डकैतों से बचने के लिए? प्लीज पब्लिक पब्लिक पब्लिक। 39% मुइन भाई 70 पे सही। आपने गलत, आपने मुझे गलत इशारा दिया, बहुत गलत बात है। चेंज करने का कहा था तो फिर मैंने चेंज किया। मेरी बात सुने अमर, खुदा के वास्ते चीटिंग गलत कैसे करा सकते हैं आप? मेरी बात सुने, ये होता नहीं था। मैं आपको बताऊं, मैंने इंटर में अपने दोस्त को चीटिंग कराई मैथ के पेपर की और गलत कराई, उसको 80 नंबर आए, मेरे 28 नंबर आए। मैंने इतनी अच्छी चीटिंग कराता हूं, इतनी अच्छी चीटिंग 10 मिनट पहले अगर सेट पे आ जाती तो अब मुइन भाई क्या हुआ? मैं आपको किस्सा सुनाऊं, मोबाइल चोरी से याद आया, मैं भी बता रहा था कि गली क्रिकेट या मोहल्ले की क्रिकेट खेलने के लिए रमजान में हम गए एक बार कराची का इलाका हसन स्क्वायर में, बैटिंग साइड का अंपायर होता है तो मैं अंपायर खड़ा हो गया, वन डाउन जाना था, तो बॉलर जो आए उन्होंने पहले शलवार टाइट किया अपनी और फिर मुझे सामान निकाल के दिया। अंपायर सारे सामान रखते हैं ना, वो जायदादें अम्मा की दुआएं मोबाइल घड़ी वॉलेट घड़ी, तो उन्होंने मुझे वॉलेट दिया घड़ी दी, फिर यहाँ से गन निकाली वो मेरे हाथ में रख दी और फिर बॉलिंग स्टार्ट की। वापसी में उन्होंने पहले गन ली मोबाइल लिया फिर मेरा मोबाइल लिया वॉलेट लिया फिर उन्होंने जाके जो है वो मैच शुरू किया। ये रेगुलर सीन है लोग, ठीक है। अच्छा अमर आप आई हैं क्योंकि, तो हमारा फर्ज बनता है कि आपसे एक और गेम भी खेले। इस गेम का नाम है क्विको। इस गेम में आपने सिर्फ यस और नो में जवाब देना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी जब तक के होस्ट अजीम होस्ट आपसे पूछ ना ले कि भाई फसा ना दे, फसा ना दे, बिल्कुल सही है। इससे पहले कि मैं उस गेम की तरफ बढ़ूं, 500 की दौड़ के स्कोर और देखते हैं अमर स्कोर बोर्ड में कहां। अमर नीचे नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कहां है अमर।
कहाँ? अरे तीसरे नंबर पे हमारा। बस अगर आप मुझे थोड़ी सी चीटिंग कराते जो आपने उनको कराई थी तो मैं 500 क्रॉस कर चुकी। आयशा उमर अगर मेरी आवाज सुन रही है, आयशा उमर आप देख रही हैं, अमर खान, इमाद वसीम, मुइन खान ना सिर्फ मुझ पे बल्कि आप पर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि वो आपने चीटिंग की। नहीं, ऐसा नहीं किया। 475 आयशा उमर, हारून शाहिद सेकंड नंबर पे और अमर 384 पे, फरहान 381, उर्वा 380 पे, सईद गनी 363, सहर खान 342 और मशहूर एंकर आकिब जावेद 337 पे खेल रहे हैं। अब देखते हैं मात और मुइन भाई का क्या मुकाबला चल रहा है। 80 पॉइंट से लीड कर रहे थे मुइन भाई, अभी भी लीड कर रहे हैं मगर अब लीड काफी क्लोज हो चुकी है। पढ़े लिखे मात 3162 और मुइन भाई मुंह खोल के सोने का जिक्र हो रहा था मगर आप मुंह खोल के हंस रहे हैं इस तस्वीर। 3204 जवाब देने जब तक के एक अजीम होस्ट आपसे एक्सप्लेनेशन ना मांग ले और आपको फंसा ना दे। और कौन अजीम होस्ट? अच्छा सॉरी, अपने बारे में। होस्टिंग की सीट पे नजर है मुइन खान की, इसी के साथ चलेंगे हम अमर की तरफ। अमर पहला सवाल दम मस्तम, यस और नो याद रखिएगा। दम मस्तम मैंने इसलिए लिखी थी ताकि मैं उसमें काम कर सकूं, हीरोइन आ सकूं, यस और नो? यस इसीलिए लिखी थी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगूंगा। कराची का खाना लाहौर से अच्छा होता है, यस और नो? कराची, यस। यस, वेरी गुड। बहुत ये बहुत बड़ी डिबेट है। हाँ, कराची का खाना लाहौर से अच्छा। हाँ, मुइन भाई आपको कराची, आपने दोनों शहरों के खाने खाए? मुझे टू बी ऑनेस्ट लाहौर का पसंद है खाना। Really? लाहौर का खाना जी। आप पहले कराची आए थे जो ये कह रहे हैं? मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरा ज्यादातर टाइम खेलने के टाइम पे भी लाहौर में गुजरा। फिर बोर्ड में भी आप मुंशा लिख रहे तब भी आप लाहौर में थे। इमाद आपको कहां का? लाहौर का। लाहौर का ही खाना अच्छा लगता है। ठीक है अमर, मुझे और आपको कराची का खाना अच्छा लगता है। कराची में वैरायटी ज्यादा है और हम दोनों का ही टेस्ट अच्छा है। ओके, अक्सर लोग मुइन भाई अक्सर लोग मुझे आज भी नहीं कराची का खाना हो गया, अक्सर लोग मुझे आज भी डायन कहते हैं, यस और नो? हाँ, मेरे लिए बायस से फकर है, मेरा डेब्यू ड्रामा था वो। मुइन भाई आपने देखा है वो ड्रामा? सॉरी नहीं देखा। इमाद आपने वैसे कभी आपने डायन देखी है लाइफ में? वैसे रियल लाइफ में भी डायन देखी? डायन मुझे लगता है कोई प्रमोशन अगर चुड़ैल का हो तो वो डायन बन जाए। नहीं, अगला सवाल। मैंने जिंदगी में कभी किसी को अपना गलत नंबर नहीं दिया है। बहुत बार गलत नंबर आप अभी भी बहुत इजीली। तभी मैं बोलूं मेरे पास अमर खान के नाम से अदनान सिद्दीकी का नंबर क्यों सेव हुआ? अब मैं और वो आंख नहीं मिला पा रहे मीन भाई। अभी भी दिया आपने किसी को? हाँ हाँ, ये तो बड़ी नॉर्मल बात है। कोई फायदा नहीं होगा फोन में आने का, कोई फायदा नहीं होगा। सही है। अगर हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी दोनों एक साथ एक ही वक्त में अलग अलग प्रोजेक्ट ऑफर करें तो हुमायूं सईद का प्रोजेक्ट लूंगी, यस और नो? जो जिसका स्क्रिप्ट अच्छा होगा, yes or no? Why yes or no? भाई एक सवाल आपने साइन किया, आपने कहा जो कहूंगी yes or no में कहूंगी। नहीं, जिसका स्क्रिप्ट अच्छा होगा, जिसकी कहानी। सवाल गलत हुआ, ₹1000 का फाइन। ये देख रहे हो आप कितने कितना आर्टिस्ट पड़ा हुआ है इसके अंदर। मेरा है वैसे, मैं आपको दे सकती हूं। रखिए रखिए। अच्छा हुमायूं और अदनान में से किसका स्क्रिप्ट अच्छा होता है? दोनों का अच्छा होता है। मैंने एक के साथ फिल्म की है अपनी, अपना डेब्यू किया है, आई एम श्योर हुमायूं के साथ कर लिया है कम से कम, उसको तो आप तसल्ली दे दे। एग्जैक्टली, तो उम्मीद ही लूंगी ना। दोनों का ये हजम नहीं हुआ मुझे जवाब, मैं इसको भाई वो प्रोड्यूसर है, वो राइटर नहीं है, स्क्रिप्ट तो राइटर का होता है। अदनान सिद्दीकी प्रोड्यूसर है ना? हाँ जी, हुमायूं भी प्रोड्यूसर है। अगर वो ऑफर करे ना प्रोजेक्ट, बात करते हैं इस पे, बात करते हैं ऑफ कैमरा, बात करते हैं इस पे। आप ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए, मैं अमर कहीं नहीं जाएंगे, आप दोनों जा सकते। खादिन हज़रात, वेलकम टू जश्न क्रिकेट। मेरे साथ मौजूद हैं अमर खान और हाँ बैठे हैं मुइन भाई भी बैठे हुए हैं और इमाद भी मौजूद हैं लेकिन अमर खान भी हैं। तो अमर, और ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछा गया है कि हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी अगर आपको अलग अलग एक ही वक्त में अलग अलग प्रोजेक्ट्स ऑफर करें तो आप किसका प्रोजेक्ट लेंगी? तो आपने कहा दोनों को रिजेक्ट कर दूंगी। और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे मिसकोट मत करिए यार, आप कितने होशियार हैं। मैं कितना होशियार? एक बार की सुई भाई थे होशियार हैं ताबिश। हां, इस पे यस या नो कहां था, क्या कहना चाहिए इस पे? नहीं, आप क्वेश्चन ऐसा करें ना कि अगला बोले यस या नो। बिल्कुल, ये यस या नो वाला सवाल है। सॉरी सॉरी, तो सवाल थैंक यू सो मच, उन्होंने कितना अच्छा बात किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, सवाल पूरा आपने, मैं रिपीट भी लगा दूंगा, लेकिन सवाल ये था कि अगर एक ही वक्त में ऑफर करें तो मैं हुमायूं सईद का प्रोजेक्ट लूंगी, इस पे मैंने यस और नो बोला था। आप बताइए ना, तो आपने अब्दुल्ला कादवानी का नाम क्यों लिया?
जब वो सवाल में ही नहीं है तो, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा हिट ड्रामास उनके साथ दिए हैं तो मैं उनका प्रोजेक्ट करूंगी। सवाल में था नहीं, आप 1000 रुपए डालेंगी इसमें, मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई मजाक नहीं होगा। आप पढ़े हैं आप, अभी दें प्लीज, अभी मैं 1000 रुपए ले लूँ कैश, पता नहीं आर्टिस्ट का भाई। एक सेकंड, एक ही 1000 का नोट निकालना है ना, मेरे पास तो बहुत सारे, सिर्फ नोट ही निकले जेब से, पूरी थद्दी है अंदर, ये ले। हम अंगूठियां भी लेते हैं, हम ये सिकड़ियां भी रखते हैं। 1000 रुपए भाई, आर्टिस्टों से 1000 रुपए निकलवा रहा हूँ मैं, जिनकी खुद की लाखों की पेमेंट फंसी हुई होती है। ऐसा होता है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं। पहला जूम में नोट, थोड़ा ज्यादा सच बोल दिया। अच्छा, अगला सवाल पे, बहुत मुश्किल सवाल आते हैं आगे। पैसों, जिंदगी में पैसों की खातिर ना पसंद आने वाली स्क्रिप्ट्स भी की हैं, यस और नो? नो, कभी नहीं, कभी भी नहीं की आपने, कभी नहीं, पैसों की खातिर आपने कभी नहीं, हमेशा रिजेक्ट कर दी। हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर मूवी अच्छी हो तो फॉरेन मूवी से बॉक्स ऑफिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यस और नो? बिल्कुल सही बात है। मौला जट, अभी ब्लैक एडम आई है ना मौला जट के साथ, पछाड़ के रख दिया मौला जट ने, सरदार जट का इंसाफ कमर चुप बाहर आ गया है। ओए, हां। अच्छा, अगला सवाल, अगर मसरूफ ना होती तो लॉन्ग मार्च में जरूर शिरकत करती, यस और नो? मसरूफियत का क्या ताल्लुक है, आई सपोर्ट दैट, घर में बैठ पीटीआई सपोर्टर, तो आपने शुरू में मेरी सपोर्ट, अभी भी मेरी दुआएं भी साथ हैं, मेरी सपोर्ट भी, मैं देख रहा हूं अक्सर कंटेनर के सामने बराबर में खान साहब की आपकी सपोर्ट खड़ी नजर आ रही है। हां, बिल्कुल, फवाद चौधरी की शक्ल। अगला सवाल, शोबिज इंडस्ट्री में कोई किसी से जेलस नहीं होता, यस और नो? नहीं होता, नहीं होता है, जेलस होता है, यस कह रही हैं, जेलस होता है, आप किससे जेलस? यस और नो की है ना गेम, तो यस और नो, मैंने शुरू में कहा था एक्सप्लेनेशन, आप जो है ना खुरेदेंगे नहीं सवालों को, अजीम होस्ट की बात, आप किसकी है, और ये बात अजीम होस्ट का जिक्र आया था कि अजीम होस्ट, कोई अजीम होस्ट नहीं, चले माफ किया आपको। अमर, क्रिकेट पे बात करते हैं, आखिरी प्रेडिक्शन, वैसे एक लड़का है, मैं नाम ले लेती हूँ, एक एक्टर है, एक लड़का है, बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा ही कमाल का, क्या गॉड गिफ्टेड है, क्या अजीम उसकी जो है फनकारियां है, अहमद अली अकबर। अहमद अली अकबर बहुत, तो वो टैलेंट, क्या टैलेंट है, आपको लगा आपका नाम लेंगे? मैं समझ आता आप अहमद अली भट्ट कहने वाली हैं, इसलिए मैं थोड़ा परेशान था। ये आपने शाहरुख खान वाली एक्टिंग की है ना थोड़ी-थोड़ी बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, कल की प्रेडिक्शंस। मुइन भाई, कल दो मैच है, एक इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड जो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ग्रुप ए का, और फिर दूसरा मैच श्रीलंका वर्सेज अफगानिस्तान है, जिसमें दोनों में एक ही जगह है, गाबा में, ब्रिस्बेन में, दोनों जगह बारिश का चांस नहीं है। पहले हम पूछेंगे श्रीलंका वर्सेज अफगानिस्तान, कौन जीतेगा? श्रीलंका वर्सेज अफगानिस्तान, मुझे अफगानिस्तान अच्छी लगती है। अफगानिस्तान अच्छी लगती है इसलिए जीतेगी, या आप समझ? अच्छी इसलिए लगती है कि भाई वो अच्छे क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, लेकिन इररेलेवेंट का जो इंटेंट है वो अच्छा होता है, वो फाइट कर रहे होते हैं T20 को, T20 के स्टाइल में खेल रहे, स्टाइल में खेल, बिल्कुल। श्रीलंका, आई थिंक वो जजाई भी अनफिट हो गया उनका, तो श्रीलंका, श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अमर, श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान में वैसी, अगर मुझे लगता है श्रीलंका, आपको लगता है, आपको लगता है श्रीलंका, गई कभी श्रीलंका? नहीं, कभी नहीं गई। मुइन भाई, दूसरा मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, इंपॉर्टेंट मैच है, डिसाइडर होगा, अगर इंग्लैंड हार गया तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी। मुइन भाई, क्या इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड टू विन? इमाद, इंग्लैंड, इंग्लैंड टू विन? अमर, इंग्लैंड, इंग्लैंड तो गई है। अब इतने बड़े लोग कह रहे हैं इंग्लैंड, तो मैं कैसे जो है, जाए ना जाए, लंदन तो मैं जाऊंगी। आपकी क्या प्रेडिक्शन है? मुइन भाई, मैं अफगानिस्तान का साथ दे रहा हूँ उस वाले मैच में, और यहाँ मैं फिर इंग्लैंड का साथ दे रहा हूँ। अच्छा, न्यूजीलैंड की फेवर में, आप भी न्यूजीलैंड की फेवर में, इंग्लैंड का साथ दे रहा हूँ, सही है। खवातीन और हज़रात, शो के आखिर में एक रिवायत है कि हम दुआ कराते हैं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं कि बांग्लादेश से कि इंडिया को हरा के तुम हमारी जीत अमर कर दो, और आखिर में इमाद की दुआ कि अल्लाह मियाँ अल्लाह करे इमाद अगला वर्ल्ड कप खेलें इंशाल्लाह। खातिन आज़ाद, जश्न क्रिकेट का वक्त यही हुआ, अब जो कुछ जश्न मनाना है आप अपने पर्सनल लेवल पे मनाइए। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इन्हीं इसी पैनलिस्ट और एक और खूबसूरत गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।